उधारी पैसे के लिए पीट पीट कर एक की हत्या, तीन गिरफ्तार, जिसमें एक नाबालिग, कल्याणपुर के सूचक नाका परिसर की घटना। उधारी पैसे को लेकर छह अज्ञात लोगों ने लकड़ी और डंडों से मार मार कर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक का नाम सूरज सोमा हीलम बताया जा रहा है, जो सूचक नाका कल्याणपुर का रहने वाला था। इस मामले में कल्याण क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में रूपेश महादेव कांबले और मोहन रमेश बंसोड़े शामिल हैं, जो महात्मा फूले नगर सूचक नाका के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के इंचार्ज नरेश पवार ने बताया कि घटना के वक्त सूरज हीलम शराब का सेवन कर रहा था, उसी दौरान रूपेश और मोहन सहित 6 लोग वहाँ पहुँचे। पुलिस के मुताबिक उधारी पैसों को लेकर आरोपी के मामा और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने लकड़ी व डंडों से पीट पीट कर सूरज की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद कल्याण क्राइम ब्रांच की टीम ने आसपास की सीसीटीवी को खंगाला और मुखबिरों के माध्यम से शिनाख्त होने पर 3 आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए कोलसेवाड़ी पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस महानगर से आकिब शेख की खास रिपोर्ट।